बोकारो जिले में आज BSNL ने 55 आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराया। बोकारो स्टील सिटी के विभिन्न सेक्टरों के आवासों को आज अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराया गया। दरअसल BSNL अपने आवासों को अपने कर्मियों को आवंटित करता है, लेकिन कुछ ऐसे आवास हैं जो लंबे समय से खाली पड़े हैं। ऐसे में इन आवासों पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करके उसे अपना निवास स्थान बना लिया गया। इस मामले में पहले संपदा न्यायालय ने सभी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस देकर आवास खाली करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी आवास खाली नहीं किए गए, जिसके कारण आज मजिस्ट्रेट की तैनाती में BSNL ने 50 से 55 आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस दौरान BSNL सुपरवाइजर समेत भारी मात्रा में सिक्योरिटी गार्डों को तैनात किया गया था और सभी अवैध अतिक्रमणकारियों को आवासों से निकालने के बाद उसमें ताला जड़कर आवासों को सील कर दिया गया। मजिस्ट्रेट ने बताया कि खाली कराए जा रहे आवासों पर जबरन कब्जा था। वहीं कई सेक्टरों के खाली मकानों में अपराधी छवि के व्यक्तियों के रहने की सूचना भी मिलती रही है। BSNL के संपदा न्यायालय की ओर से अवैध रूप से धारित जो BSNL के क्वार्टर में कब्जा था, उनको हटाने हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान हेतु आज मजिस्ट्रेट मुझे यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ताकि यहाँ पर विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और ये संपदा न्यायालय का जो नोटिस इन लोगों को पहले मिल चुका है, फिर भी इन्होंने अपना क्वार्टर खाली नहीं किया था, उन पर क्वार्टर पर ताला लगाकर सील किया जा रहा है। वैसे कितने क्वार्टर है जिस पर अवैध कब्जा? ये पूरी बात आपको संपदा न्यायालय के पदाधिकारी ही बता सकते हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।